गरीब सिखन को दियूं पाछाही, जात करे हमरी गुरियाई, इन्हीं को सरदार बनाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। गुरमत प्रकाश वर्ल्ड वाइड दे संजोग नाल अज दी जो वीडियो रंग रेटे गुरु के बेटे, मतलब मजबी ओ जो अपने मजब दा पक्का होवे। इतिहास नूं पढ़ के देखो कि जिन्हां ने जंग दे मैदान विच जौर दिखाए, महान कवि, महान फिलोसफर, महान पाठी, महान कीर्तनीए और उच्चे किरदार वाले जो लोग होए जिन्हां ने गुरु जी दा साथ दिता, सब तो वो मजबी सिख समाज विचों पैदा हुए। पर बहुत ज़्यादा हैरानी दी गल कि जो मजबी सिख रंगरेटे गुरु के बेटे का जो इतिहास है, उस इतिहास में लुकाया जाता, उस इतिहास में रलगढ़ पाया जाता, जिसकी जो एग्जाम्पल कि जेकर तुम नरोल बाबा जीवन सिंह जी के इतिहास में जानना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस तरह रंगरेटे गुरु के बेटे सरदार निधान सिंह पंजहत्ता और जो रंगरेटे बाबा लंगर सिंह जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल रल के जंग दे मैदान विच जौर दिखाए और शहीद सिंघां दा संस्कार किया, मुक्तसर साहिब दे जिन्ने भी इतिहासक गुरुद्वारे उन्हां दी निशानदेही की, मतलब किन्ने वड्डी सेवा करदार और सिमरन करन वाला जो लोग ने उस जो मजबी सिख समाज विच जो सब तो वध जो पैदा होए। पर इस वीडियो राही मैं मैसेज देना चाहवांगी कि उन्हां जात अभिमानी लोगों जो कि इतिहास के रलगढ़ पाते हैं, जिन्हों अपनी उच्ची जात जा जमीन जायदाद का माण है, जो तो आम न्यूज सोशल मीडिया से अजे वीडियोज़ देख सकते जितों ये पता लगता कि मजहबी लोगों के नाल जो धक्का किया जाता, उन्होंने वितकरा किया जाता, उन्होंने नफरत के पात्र बनाया जाता। इतों तक कि कई अजे पंजाब दे विच गुरु महाराज की जो धरती है, इस धरती के जात पात का बहुत ज़्यादा रौला है। गुरु जी ने इस जात पात को खत्म किया, पर अज भी पिंडा थावां दे विच इत्थों तक कि मड़ियां भी अलग अलग हो गई हैं कि यह मजहबी लोगों दी मड़ियां, ये दूसरी जात के लोगों दी मड़ियां। मतलब कि जेकर गुरु महाराज जी ने जो लोग आ उन्हां विच जात पात खत्म करके ये क्या कि रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाही, पर वो लोग जो अज भी नफरत कर रहे हैं, नफरत का बीज बो रहे हैं, इहदा मतलब कि वो लोग गुरु जी दे सिख ने। सो इस कंसैप्ट का यह मतलब नहीं कि जो मजहबी सिख है जां कोई दूसरी जात के लोग है उसनू वड्याया जा रहा। इस वीडियो का जो मेन कंसैप्ट यह है कि समाज दे विच जो भी लोग रह रहे ने जां जो लोगों का इतिहास है उसनू जो सत्कार हर किसी का करना चाहिए। गुरवाक अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन पले को बंदे। गुरु जी दे नाल जिन्हां ने रह के बहुत सारिया कुर्बानियां कीतियां, जिन्हां नू गुरु जी ने कहता कि रंगरेटे गुरु के बेटे, जेकर अज समाज दे विच उन्हां नू महानता ना दिती जावे, उन्हां दा बांदा सत्कार ना दिता जावे, तो इस वास्ते जो आवाज है उठानी चाहिए, साडे समाज नू जागरूक होना चाहिए। सो हर गाने दे विच एक मैसेज है कि हर गाने दे विच अज जो आम शब्द जट और जट्टी वरत्या जाता, फुकरपुणे दे विच जमीना जायदादा नू लैके, जां जो कि साडे समाज की जो नौजवान पीढ़ी आ उसके समाज में बीज बोया जाता कि पंजाब दे विच इन्हां लोकां तो इलावा कोई होर लोग नहीं रहिंदे। सो इस जो विषय बारे सोचण की लोड़ है, साढ़े जो धर्म प्रचारक है साडे समाज में जागरूक होने की लोड़ है कि असं अपने इतिहास प्रति जागरूक होइए। सो मेरी इस गुरमत प्रकाश वर्ल्ड वाइड चैनल पर जो वीडियो है तो मैं यही कहांगी कि जिहड़ियां कौमां अपने इतिहास नूं भुल जांदियां वह ज़्यादा चिर समाज दे विच दुनिया दे विच जीउंदा नहीं रहिंदियां। मजहबी लोग जेकर उन्हां दे इतिहास नूं देखी तां पढ़े लिखे लोग विद्वान महान फिलासफर होए, पर अज दी डेट विच उही लोग अनपढ़ता नशेड़ी बेरोजगारी दा जो कारण बन गए। अपने जो हत्थी पैरी कुहाड़ी मारन वाली आप गल है जिहड़े लोग अपने ही इतिहास नूं भुल जांदे हन। और इस तरह इतिहास दे विच अजिहियां महान औरतां आईयां जो कि मजहबी सिख समाज दे विचों ही रंगरेटे गुरु के बेटे, जिन्हां ने जंग दे मैदान विच उन्हां औरतां ने जौहर दिखाए, अपना जो तन मन धन गुरु जी तो कुरबान कर दिता, सेवा सिमरन और जो रहनी बहनी है गुरु जी के हुक्मां अनुसार बतीत की। पर जेकर अज दे समाज दी औरत नूं देखिए तो सिर्फ लड़ाई झगड़े तक, घर दे कम्मां तक, जां सिर्फ कुछ घेरे तक, घर तक ही सीमित रह गई। पर उही गल कि जेकर औरत जिहड़ी औरत अपने समाज बारे अपने कौम बारे सोचना भुल जावे, वह कौम ज़्यादा चिर जीउंदा नहीं रहिंदियां। सो ऐसे समाज के
ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਾਤ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ, ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਓ ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਾਊ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।